ससुराल बहुत ही चालाक है, उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हमें बिना समय गवाए सभी हमशक्लों को ढूंढना चाहिए। जी शौर्य। सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों की बात से एग्री नहीं करता। विवान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने दो दो मार्गदर्शक शौर्य है और तुम इतने अनादर से बात कर रहे हो। बालपरी, मैं सिर्फ डिसएग्री कर रहा हूँ, डिसरेस्पेक्ट नहीं, क्योंकि मुझे रियली लगता है कि सिर्फ एक शार्क को मारने के लिए हमें पूरे समुंदर का पानी खाली करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधा उस शार्क पर फुल अटैक कर देना चाहिए। वैसे विवान की बात में दम है, इससे पहले कि काल इस ब्रह्मांड से भी फरार हो जाए, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए मार गिराए। छोटे बालवीर के इरादों की दृढ़ता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन काल को पकड़ना ऐसा है जैसे रात के अंधेरे में सूरज के उजाले को पकड़ना। लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि अगर काल ने बालवीर के हमशक्ल को मार दिया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो काल को सातों ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकेंगी। एग्जैक्टली, इसलिए काल को मारने का यही सबसे स्ट्रॉन्ग चांस है। तो क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं कि काल इस वक्त आपके ब्रह्मांड में कहां हो सकता है? लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मास्त्र में होती है, लेकिन असल में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की शक्ति होती है। काल जितना बड़ा योद्धा है उतना बड़ा ज्ञानी भी, इसलिए मुझसे टकराने की गलती मत करना। छोड़ दीजिए, किताबी कीड़ा समझकर छोड़ दीजिए। आप ऊंचे महाज्ञानी, मैं नीचे अज्ञानी, दया कीजिए। मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सेवक। मौका 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 मिलते ही मार देता हूँ चौका। माफ कीजिएगा महामहिम काल, मुझे लगा अब पुस्तकालय में कोई रद्दी वाला घुसा है, इसलिए मैं ज्ञान फेंक कर मार रहा था। अरे लेकिन महामहिम काल, आपको तो कुल्फी बनाकर स्वर्ण शौर्य ने कैद में रखा था,
फिर आप पिघल कर मुक्त कैसे हो गए? क्योंकि किसी और ब्रह्मांड का कोई महाशक्तिशाली अपने जीवन से मुक्त हो गया। तो उसकी शक्तियां बाकी के 6 ब्रह्मांडों में बट गई। इसलिए आपके तन बदन में इतना घमंड जोश मार रहा है। मेरी योजना है कि बाकी के ब्रह्मांडों के हम शक्लों को मारकर उस महाशक्तिशाली की सारी शक्तियां अपने अंदर संभालो। जरूर जरूर महामहिम काल, मुझे आपकी चतुराई पे पूरा भरोसा है। तभी तो मैं इतने वर्षों से इस पुस्तकालय में आपका इंतजार कर रहा था। अगर मुझ पर इतना ही भरोसा है, तो जब शौर्य ने मुझे कैद किया था तो भाग क्यों गया था? महामहिम काल, आप खुद ही सोचिए, अगर हम दोनों उस कैद में होते तो आप जो पुस्तक यहाँ ढूंढने आए हो उसकी रखवाली कौन करता? कहाँ है? कौन? वहाँ पुस्तक। तलवार हटाओगे तो मैं बोल पाऊंगा ना। आइए आइए, मेरे पीछे आइए, आइए चलिए मेरे पीछे आइए महामहिम, आइए मेरे पीछे। महामहिम काल, मुझे माफ कर देना। मैं आपके आगे कैसे जा सकता हूँ? आप आगे मैं पीछे, आप राजा मैं प्रजा। आइए आइए आइए। लो, फिर से घफला। 21 चम्मच और 17 कटोरियां गायब। पता नहीं कब लोग शादी में से चम्मच और कटोरियां गायब करना बंद करेंगे। कहां से आते हैं ये लोग? शादी में आते हैं बधाई देने के लिए और जेब में 2 चम्मच भर के चले जाते हैं। अरे जॉली, तू काहे कटोरी चम्मच को लेकर इतना बवाल मचा रहा है? हाँ, अरे नुकसान हुआ है तो तू रहने दे। शांत रह, शांत, अपना बीपी मत बढ़ा। जा जाकर अनुलोम विलोम कर हमारी तरह और दिमाग को शांत रख। हाँ, अरे कहाँ रह गए हैप्पी भैया? कहीं फिर से किसी की मुर्गी पकड़ने नहीं चले गए? कितनी देर कर दिए, धनिया लाने भेजे थे हम उन्हें। पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अरे भाभी जी, आ गए आ गए आ गए, धनिया वाले आ गए। लाओ लाओ, ये लीजिए आपका ताजे धनिया। अब फटाफट स्पेशल आलू चोखा की डिश बनाइए, एक्स्ट्रा धनिया डाल के। हमें तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, तड़पे जा रहा है खाने के लिए। फटाफट बनाइए भाभी जी। हाँ हाँ, बनाते हैं बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा धनिया खा खा कर तो आप इतने पावरफुल हुए हो अभी भैया। पावरफुल, कमाल है, हमें भी विश्वास ना हो रहा। जिन हाथों से धनिया तोड़े उन्हीं हाथों से पहलवान का घमंड भी तोड़ दिए। अरे हैप्पी, का किये हैप्पी? अरे पहले से 21 कवच और 17 कटोरियां गायब है। 21 चम्मच और 17 कटोरियां गायब है और तुम ग्लास गायब कर दिए। अरे भैया, इतना क्रोधित काहे हो रहे हैं? अब चिंता मत कीजिए, बाजू के कमरे में ही तो गया है, अभी लेकर आते हैं। सान, सान। ए भैया बिना, ग्लास कहाँ चला गया? ये, ओ, सलमारी के नीचे है। ये तो काफी अंदर घुस गया, लगता है अलमारी हिलाना पड़ेगा। आ, आ,
कमाल है। अरे रुकिए रुकिए महाबहिन रुकिए। यानी यही है सात ब्रह्मांडों का त्रिआयामी चित्र। यानी कि आज तक जिस शक्तिमान का नाम सुना था आज देख भी लिया। ऐसा लग रहा है जैसे एक प्राणी की सात परछाइयां दर्पण में देख रहा हूं। बालवीर। हाँ बालवीर। महामहिम, इसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा है यही वो महाशक्तिमान था जिसके शरीर का छठा हिस्सा आपके शरीर के अंदर आ चुका है। यानी ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बालवीर की शक्तियों के बाकी अंश बाकी पांच हमशक्लों के अंदर भी गए होंगे। हाँ। अरे अरे बच्चों खेलना बंद करो, देखो तुम्हारे हैप्पी चाचा ने क्या बवाल मचा दिया है। अरे छुरी कौन ले गया? अरे पुकी पुकी। अरे अभी अरे बच्चों रुको, अभी रुको, अभी पुकी, पुकी, तुम बच्चों तुम, अरे बच्चों सुनो, ये बच्चे भी ना, अरे भाभी बच्चों को छोड़िए ना, आप देखिए आपके हैप्पी भैया ने क्या कमाल कर दिया। कुछ देखने का टाइम नहीं हैप्पी भैया, रसोई बनाने में देरी हो गई तो बच्चे बवाल मचा देंगे। और ये अलमारी को क्या हो गया? अरे वही तो बताना चाहते हम आपको, वो जो ग्लास है ना वो अलमारी के नीचे घुस गया था, उसे निकालने के लिए हम अलमारी को छुए तो पूरा अलमारी हिल गया। हम आपको करके दिखाते हैं। भाभी देख रही है ना आप? अरे हमारी तो दाल चल रही है, पूरा अलमारी उठा लिया हम। भाभी 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 भाभी, अरे अरे भाभी तो हमें एकदम इग्नोर मार रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया हम और कोई देख भी ना रहा है, पहले कोई हमारा आइडिया ना सुना और अब कोई हमारी ताकत भी नहीं देख रहा है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाभी। तो बताओ मौका मौका इन पांच हमशक्लों में से किसको उसके जीवन में से सबसे पहले मारकर मुक्त कर दूं मैं। महामहिम, क्या इस सबके जीवन की डोर एक साथ तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? क्या है बुराई जितनी जल्दी कम हो जाए उतना ही अच्छा होता है?
चाहता तो मैं भी यही हूँ, मौका मौका तो कर दीजिए ना। लेकिन ये सब अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं, इसलिए इन्हें एक एक करके ही मारना पड़ेगा। तो फिर एक ही तरीका है, इसमें से किसकी मौत पहले होगी उसका फैसला किस्मत पर छोड़ दिया जाए। अच्छा सुझाव है। अग्नि वायु धरती जल नभ में होगी अब हलचल, इनमें पहले कौन मरेगा, किस्मत करेगी मौत का पल। चुन लिया, किस्मत ने आपका पहला शिकार चुन लिया। श्वेत शौर्य के ब्रह्मांड में महामहिम काल का पहला हमला होगा अपने हमशकल पर। बिना हैप्पी भैया जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, तब हमारी सरका ना सफाई भी हो जाएगी। अभी तो मैं रोटी बेल रही हूँ ना। अरे भाभी वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी चलिए हमारे साथ। अरे जल्दी चलिए भैया, सुनो तो। अभी आप जाइए पहले, सुनिए यहाँ पे। अरे सुनिए, आप बैठिए पहले और हमारा कमाल दे। अरे भैया, पर आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं, हमारी रोटियां। अरे आपके रोटियों का प्यार और माँ के दुलार का ही तो कारण है कि ऐसा कठजोड़ बना है हमारे बाइसेप्स के अंदर, अब हमको क्या बताए। पूछी कौन रहा है भाभी जी, अब जो बात है ना वो पूछने और बताने से बहुत आगे निकल गई, इसलिए आप देखिए हम आपको बताएंगे नहीं है। देखिएगा भाभी। अबे एक मिनट भाभी, एक मिनट। होगा भाभी, होगा होगा। हैप्पी भैया, अब एक हाथ से तो पूरा अलमारी हिला दिए थे, अब क्या हो रहा है। अब कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उठा देना अलमारी। ये अलमारी थोड़ी कहीं ना भागे जा रही है, और ना मैं कहीं भागे जा रही हूँ। भाभी जी आप हमें हल्के में ले रही है, हैं? अब बिल्कुल नहीं हैप्पी भैया, बिल्कुल नहीं। अब आप काहे इतना टेंशन ले रहे हो। अब एक काम करो, हाथ मुंह धो और खाना खा लो। अब आपका कर्तव्य किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है। बड़ा मस्खरा लगता है ये, इसे मारने में मजा नहीं आएगा, हम इसे बाद में मारेंगे। लो, किस्मत आपको आसान काम पहले दे रही है, और आप है कि किस्मत को मना कर रहे हो। तड़प रहा हूं मौका मौका, इतने सालों से कैद था ना, तो किसी बड़े शिकार को मारने के लिए तड़प रहा, और सबसे पहले मरेगा ये, इसे मारेंगे सबसे पहले हीम ब्रह्मांड का हमशक्ल। मूड किस तरफ करवट लेगा इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन आपकी नियत कब कहां मोड़ लेगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, खुद किस्मत भी नहीं। इसी अनिश्चितता से तो डरता है वो शौर्य, कैद कर दिया था मुझे। सत्य वचन महामहिम का। मेरी गर्दन पर तलवार क्यों तान दी, इतने सालों से पड़ा है ना यहाँ पर,
तो तुझे तो पता ही होगा वो कहाँ है। ओ, ओ, आपका फालतू वाहन साधु? नहीं, आकाश पथवार। ओ, जिसकी मदद से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाया जा सकता है। तलवार। आकाश पथ द्वार के लिए हमें स्वर्ण शौर्य का पीछा करना होगा। अभी आकाश पथ द्वार खुलेगा, मेरे महाशक्तिशाली होने का हर रास्ता। कब तक बचोगे मेरे हमशक्लो, कब तक?